जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त हो रहे होंगे। तो अभी लगभग हो रहा था सुबह का 6 बज रहे थे और मैं उठ चुकी थी, क्योंकि आज वैसे तो सेकंड सैटरडे और बच्चों की छुट्टी है, बट कल से शुरू है नवरात्र, जिसमें करनी है बहुत सारी सफाई। वैसे तो मैं आधी सफाई कल कर चुकी हूँ, तभी उसी के रीज़न की वजह से इतना लेट हो गया था, कल वीडियो नहीं जा पाई थी। और आज लगभग देखिए, यहाँ आज मंदिर का भी पूरा है, धो दिया था मैंने शाम को ही सारी ये जो वस्त्र वगैरह होते हैं मंदिर के कपड़े। और आप लोग की तैयारियाँ कैसे चल रही है नवरात्रों को लेके। और यहाँ आंगन में मैं आ चुकी थी सबसे पहले, पिया थोड़ा सा पानी और कर रहे हैं थोड़ा सा वॉक, क्योंकि एक बार आप जब काम में लग जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती हैं, इसीलिए कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट खुद को दिया जाए। और ये काम तो ऐसा है, शायद स्टार्ट होगा कब स्टॉप होगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों की तैयारी है, पूरी चीज़ें हैं व्यवस्थित करना है। घर वैसे तो घर साफ है मेरा, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा शिफ्ट में, लेकिन मन की तसल्ली, मन की शांति। आप सुन रहे हैं सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठिए। और थोड़ा सा टाइम, जिस दिन बच्चों का एकदम स्कूल वगैरह नहीं होता है, टिक नहीं है हम लोग के लिए, तो एक बार उठ के आपके बालकनी है कहीं भी, वहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के देखिए, एकदम शांति मन से। और सुबह का समय है ये अभी, तो चलिए देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा है मेन हॉल, मींस कि ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम कह लीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो सफाई अभियान है वो यहीं से शुरू होगा, भले कुछ ना दिखे, बट एक बार होता है कि भाई ऊपर जाले वाले कुछ भी, क्योंकि इन फिर 9 दिनों तक हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे जाने अनजाने किसी भी प्राणी को हमसे नुकसान पहुँचे। इसी तसली के लिए, चाहे हो ना हो, आज सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कारपेट की सफाई से। तो फ्रेंड्स, सफाई अभियान की शुरुआत मैंने की थी दरी क्लीनिंग से। जो कारपेट है, सबसे पहले मैंने इसको क्लीन किया, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे आप क्लीन करेंगे ना तो बाल, डस्ट वगैरह और कुछ कुछ छोटे छोटे वाइट वाइट पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो एटलीस्ट आपको 15 डेज पे ऐसे ब्रशिंग करने से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। फिर अभी दिवाली नेक्स्ट है इसके, तो दिवाली में ये वॉश होगी, बट अभी तो वही था। फिर आगे रूम की सारी चीज़ें, जो भी डेकोरेटिव आइटम थे वो सारी चीज़ें मैंने बॉक्स वगैरह से जो भी था वो सारा उतार के नीचे रखा, क्योंकि इन्हें भी मुझे अच्छे से आज क्लीन करना था। तो हम आर्मी क्वार्टर्स में आपको हर तरीके की ऑल ओवर इंडिया की थिंग्स मिल जाएंगी डेकोरेटिव, तो यहाँ पे मोस्टली मैंने यहाँ पे वुडन थिंग्स, मतलब वुड के ही लकड़ी के सारी चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स हैं मेरे पास। और ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे जाला वगैरह जो भी था, जो मकड़ी दिखाई दी, जाले दिखाई दिए, ऊपर सारी चीज़ें, पंखा वंखा, किसी को आज नहीं छोड़ा। ये लोग भी परेशान हो गए होंगे कि कौन हमारे पीछे पड़ गया है आज, तो एकदम से करके, मतलब कि आज निगाहें ऐसे ऐसे थी ना कि कहीं छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों पे अपना हाथ एक बार तो दे ही देना है, कि वो भी सोची गाय कौन आ गया हमारे घर में। तो मैंने अच्छे से कर दिया था। फिर मुझे खोलना था बॉक्स, क्योंकि उस पर से मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा फौजी भाइयों का और हम लोगों का जो सबसे प्रिय, मतलब ये हमारा मल्टीपर्पज़ चीज़ होती है, बेचारा हमारा हर टाइम हर चीज़ में सहयोग करता है, चाहे इसे हम लोग बेड बनाएं, चाहे इसे हम लोग सोफ़ा बना लें, चाहे आने जाने में ये हमारा इतना सामान कैरी कर लेता है। तो यहाँ बक्से में मैं ढूंढ रही थी कुछ चीज़, जो ये एक बक्से में तो मुझे मिले नहीं, फिर दूसरा भी मुझे खोलना पड़ा और वहाँ पे मुझे मिल गया था ये, क्योंकि मुझे निकालना था ओवन वाला जो हाथ के ग्लव्स होते हैं, वो आने के बाद मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि इसी बक्से में होगा, तो मिल गया था। और कुछ निकाले मैंने कपड़े, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कुछ चीज़ें अपनी। फिर यहाँ पे सारा, मतलब कोई कोना छोड़ना नहीं है, ये मन में था आज पूरा, खिड़की हो, धूल वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से झाड़ू की सहायता से मैंने एकदम खोज खोज के किसी भी अपनी निगाहों से जो मुझे दिखाई दिया, जहाँ दिखाई दिया। और ये दीवारों की सीलन, जो हम लोग की फौजी घरों की आम बात होती है, तो उसको भी अच्छे से। फिर नीचे चली गई थी सारी चीज़ें, जो धूल वगैरह थी बक्से के नीचे की, सारी धूल वगैरह निकाली। सफाई तो ऐसे होती है कि जैसे लगता है कि और अभी मेन सफाई है, तो प्री सफाई थी, अभी मेन तो दिवाली की पड़ी ही है,
तो उसमें तो अलग ही रौद्र रूप होता है सफाई करने का, लेकिन इसमें भी कम नहीं था। तो ये मैंने कोई एरिया, कोई कोना ड्राइंग रूम का, हॉल का छोड़ा नहीं जहाँ मैंने अपने हाथ नहीं, शुभ हाथ नहीं फेरे, और अच्छे से जहाँ जो भी दिखाई दिया वो सारी चीज़ें इसमें सफाई में मैंने यहाँ पे कर रही थी। भगवान ने भी क्या रीत बनाई है कि जैसे एक सीज़न जाता है तो हम लोग त्योहारों के साथ साथ मतलब अपनी तैयारी भी करने लगते हैं। बारिश का सीज़न गया, उसमें जो गंदगी, फिर आ गई थी मैं ये किचन में क्योंकि मुझे बच्चे उठ गए थे और हस्बैंड के लिए भी बनाना था ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा आसानी से जल्दी से बना लेते हैं पोहा चटपट, क्योंकि पोहा गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है। तो मैंने कहा सब हैं घर पे तो पोहा ही बनाया जाए। इसके लिए ले लिए थे मैंने ये फ्रोज़न मटर, कुछ आप चाहें तो इसकी जगह मूँगफली भी ले सकते हैं, और 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए थे। और ये फिर ले लिए थे पोहे के लिए मैंने मोटे वाले पोहे, क्योंकि आप पतले वाले पोहे से पोहे अच्छे नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप जब भी बनाइएगा मोटा वाला पोहा ले लीजिएगा। और इसको हम लोग अच्छे से 3-4 पानी वॉश कर लेंगे, जब तक इसमें कोई भी जैसे कभी कभी धान के पार्टिकल्स वगैरह कुछ गंदगी ऐसे दिखती है तो आप उसको अच्छे से वॉश करिएगा और फिर क्लीन करके। और लास्ट में ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी ये नेट जाली जो मैंने अपने लगा रखी है शिंक में, तो इससे जो भी गंदगी होती है इसी में फंस जाती है। तो अगर आप लोग कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी ये जाली लगा सकते हैं। फिर मैं लगाने लग रही थी पोहे का तड़का, सिंपली इसमें डाला सरसों का तेल, अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और डाल दिया थोड़ा सा सरसों दाना बड़ा वाला इसमें, ये देखिए जो मोटे वाले सरसों दाने होते हैं वो डाले। उसके बाद डाला इसमें जो हमने मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके रखे हैं, प्याज इसमें थोड़े से आप जैसे नॉर्मली 2 डालते हैं तो 3 डालिए, क्योंकि प्याज का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और प्याज को ना ज़्यादा मोटा ना बहुत फाइन चॉपिंग भी नहीं करेंगे इसमें, मतलब मीडियम हल्का सा जैसे आप कट करते हैं ऐसे रखेंगे। और इसमें प्याज को हम लोग ज़्यादा भुनेंगे भी नहीं, ज़्यादा लाल वगैरह नहीं करेंगे। तो साथ साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा प्याज होने के बाद कड़ी पत्ता और मिर्ची लंबी स्लिट की हुई, आप तीखा इसमें क्योंकि हरी मिर्ची के ही उससे हमें देना पड़ेगा, तो आप जितना तीखा खाते हैं उतनी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिएगा। तो मैंने 3 या 4 हरी मिर्ची इसमें डाली है, और उसके बाद इसमें प्याज को हमको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना रहे प्याज बस। तो इसी ये प्याज हो गए थे हमारे लगभग, तो इसमें मैंने डाल दिया था, ये देखिए अच्छे से हो गए हैं प्याज। तो इसमें अब हम डाल देंगे हमारे मटर जो हमने रखे हैं, इसकी जगह मटर की जगह आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आज बना रही थी ये मटर वाले पोहे। इसमें डाल दिए साथों साथ नमक और हल्दी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें रखिए। फिर अच्छे से चला के सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी थी, और इसको लगभग 1 मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे ताकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, मटर भी उससे पक जाएगी। फिर हो गए थे हमारे 2 मिनट, उसके बाद फिर से हमने इसको अच्छे से चला लिया, और अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे हमारे जो खिले खिले पोहे हमने वॉश करके रखे हैं, देखिए एकदम खिले खिले, अगर आप ऐसे ही वॉश करेंगे तो पोहा एकदम खिला खिला ही रहेगा। तो देखिए सारे पोहे मैंने लास्ट में ऐड कर दिए थे यहाँ पे, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे फिर से एक बार मिक्स कर दिया था, क्योंकि अब लगभग हमारे पोहे हो चुके हैं, बस सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें इस स्टेज पे हल्की सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो टेस्ट को बैलेंस करता है। अगर आप चाहें, आप टेस्ट पसंद करते हैं थोड़ा सा, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था। यहाँ पे पोहा हमारा लगभग हो चुका है, अब लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें एक हम लोग नींबू हल्का सा खट्टे फ्लेवर के लिए। ये देखिए ट्रिक होता है, हाथों में ऐसे लिया आपने, बीज सारे आपके हाथ में आ जाते हैं, और लेमन का छिलका हम लोग फेंक देते हैं। ये देखिए तो इसमें हमने लास्ट में ऐड कर दिया लेमन, और ये लगभग हमारे पोहा एकदम रेडी हो चुके हैं, खिले खिले हमारे पोहे। फिर देखिए मैंने यहाँ प्लेट में निकाल लिए थे पोहे, क्योंकि मुझे हस्बैंड को लेट हो रहा था तो मुझे उनको जल्दी देना था ब्रेकफास्ट, तो ये निकाल लिया यहाँ पे पोहे, उसको डेकोरेट कर दिया बढ़िया चटपटी सी भुजिया नमकीन से। आप चाहें तो इसके ऊपर अनार के दाने भी डाल सकते हैं या प्याज भी कट करके डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने
ग्रह लक्ष्मी के अवतार में और मैं आ गई है अपने रूम में यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो भी मुझे जाला वगैरह गंदगी दीवारों पे कुछ भी ऐसा दिखा, बस उसको हर हाल में साफ करने का आज अभियान था। तो ये भी साफ सफाई अच्छे से कर ली मैंने यहाँ पे। बेडशीट अभी मैंने मंडे को ही चेंज की थी, लेकिन त्यौहार है कल से, तो चेंज तो आज करना ही था। तो वो भी मैंने निकाल ली थी अपने पिटारे की पेटी से, जो हमारी जुगाड़ू पेटी होती है। और सारा रूम क्लीन करने के बाद ये मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह डाल दिया था रूम में, और पिलो वगैरह जो भी था उनका सबका चेंज कर दिया था आज। इसके बाद यहाँ पे साइड में था ड्रेसिंग टेबल के नीचे ये ऑर्गेनाइज़र, इसको भी मुझे आज करना था क्लीन। तो इसका भी मैं कपड़ा ढूंढ रही थी जो ऊपर बिछाने वाला होता है, तो मुझे आखिरकार मिल ही गया। और बैठ के तसल्ली से मैंने इसकी भी सफाई अच्छे से कर दी, मीन्स कोई चीज़ आज छूटनी नहीं चाहिए। तो वो भी मैंने निकाल दिया, और उससे अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको भी चमाचम एकदम अच्छे से साफ कर दिया था। फिर मैं आ गई बाहर के साइड में, जो बाहर का एरिया है, क्योंकि कल लगेगा बंधनवार तोरण, तो यहाँ भी अच्छे से साफ सफाई कर दी। फिर ये मैं आ गई अपने सबसे मेन इलाके यानी कि हमारा किचन, जिसकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी थी। किचन भी मैंने थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया था, तब भी हाथ फेरना तो ज़रूरी बनता है, कुछ ऐसा रह ना जाए कि मन को लगे कि हाँ भाई त्यौहार में हमने ये साफ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं देख रही थी सारी चीज़ें, और अच्छे से यहाँ पे मैंने किचन की भी क्लीनिंग कर दी थी, और सारी चीज़ें जो भी थी इधर उधर सब बढ़िया से करके, ताकि मन को शांति रहे कि हाँ कुछ ऐसा छूटा नहीं, कुछ हमने ऐसा जो नहीं किया। इससे अच्छा है कि दिन सारा चीज़ें आप कर लीजिए, ताकि कोई आपको मन में ग्लानी ना रहे बाद में कि पछताना पड़े कि हाय भाई ये क्यों नहीं किया। तो किचन इन 9 दिनों में एकदम शुद्ध चलता है, बिना लहसुन प्याज की सारी चीज़ें चलेंगी, फलाहारी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि बच्चे भी मोस्टली वही चीज़ें खाते हैं जो हम लोग के लिए बनती हैं, वो भी बस मामा वही खाना है जो आप खाओगे। तो इसीलिए एकदम शुद्धता, कन्या पूजन भोग हर चीज़ इसमें बनना है, तो हर चीज़ का शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने हर चीज़ पे थोड़ा 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 करके क्लीनिंग कर दी थी किचन में भी। ये जो भी मेरा ऑर्गेनाइज़र है, जो भी चीज़ें सामान रखने वाला है, ये ट्रे वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया से क्लीन कर दी थी, और चेक कर लिया था कौन सी चीज़ कहाँ है। कभी कभी ऐसा होता है कई चीज़ें हम लोग रख के भूल जाते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं। एटलीस्ट क्लीनिंग का सबसे बड़ा वो होता है कि वो सारी चीज़ें हम एक बार निगाहों में फिर से आ जाते, अरे ये तो यहीं मिल गई। फिर लास्ट में जब सारा मेन डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग जाला वगैरह सब हो गया, तो अपना वही नॉर्मल काम, झाड़ू पोछा तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो साफ़ सफाई दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ फिर से मैंने सारे घर में फिर एकदम क्लीन करके झाड़ू लगा ली थी, ताकि उससे जो भी गंदगी दीवारों से जो उससे भी निकली है वो सारी इकट्ठा कर ली जाए। और ये पूरा फिर उसके बाद आ गए पोछा लेके हम अपना शस्त्र, उसके बाद सारा घर में मैंने पोछा वगैरह सब अच्छे से कर दिया था। जो भी आज बेडशीट्स वगैरह निकली उनको ट्रांसफ़र कर दिया मशीन में, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम पानी आता है, शाम को जब पानी आएगा तो मशीन लग जाएगी और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ऐसे ही काम चलता रहा, और लगभग ये मेरी काम समाप्ति के तरफ है। फ्रेंड्स, तो नवरात्रों की सफाई का लगभग सारा काम मेरा हो चुका है, बस अब बचे हैं पूजा से संबंधित जो भी चीज़ें मुझे रेडी करनी है, जो भी तैयारियां करनी है, पीतल के बर्तन वगैरह जिनमें स्थापना वगैरह होगी वो सारे निकाल के अच्छे से पीतांबरी वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें मैं शाम को करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे तैयारियाँ की नवरात्रों की, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है कि थकान तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा लग गई है, साफ़ सफाई तो चलती रहती है, बट मन को जब तक वो होता ना कि माँ आ रही है उनके लिए कुछ करना है, और वो आपकी श्रद्धा है, भले लेट हो रहा है, आप थक गए, कुछ भी है, लेकिन जब तक स्थापना पूरे विधि विधान से, क्योंकि एक तरीके की हमारी तपस्या है 9 दिनों की, और माँ को भी कहीं कोई कुछ जितना हम कर सकते हैं एक सामर्थ्य के हिसाब से, सबका अपना अपना संसार में सबका अपना अपना सामर्थ्य है, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें मनाते हैं, किसी को देख के दूसरे को नहीं, आप अपनी श्रद्धा भाव से जितना कर सकते हैं, क्योंकि माँ कभी कुछ मांगती नहीं है। कोई भी
पूजा का कार्य कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको अपने से अति या अपने से बहुत ज्यादा दिखावे में चीज करनी पड़े। आपका जितना सामर्थ्य है, आपकी जितनी भक्ति श्रद्धा है, जो भी आप अपने हिसाब से कर पाए, ऐसा कुछ फोर्स नहीं होता है कि भाई इतना ही करना है। आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका बजट नहीं है, आपकी शारीरिक स्थिति नहीं है कि आपको 9 दिन के व्रत रखने ही रखने हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में कल का प्रथम दिन और अष्टमी का व्रत रखिए। कोई ऐसा बॉन्ड नहीं होता है कि आपको 9 दिन के ये व्रत रखने ही रखने हैं। आप श्रद्धा से 9 दिन पूरी अपनी भक्ति के साथ माँ को याद करिए, माँ का पूजन पाठ करिए नॉर्मल तरीके से अपने घर में। आपको लगेगा कि हाँ सही में माँ आई है और वो आपको पक्का कुछ ना कुछ देके ही जाएंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। सिंपल ही था, नवरात्रों की सफाई थी। होप आप लोगों ने भी अपने घर में साफ सफाई आज पक्का की होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि किन की साफ सफाई कितने बजे तक खत्म हुई है। लगभग सारा घर ही था आज। कल भी मैंने किया था, हॉल एरिया जो था वो मैंने कल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना हो जाता है, घर के काम कभी नहीं खत्म होते, वो कहने की बातें हैं। तो मिलती हूँ कल आपको मेरे नए ब्लॉग में। राधे राधे।